fucking take it. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कोई मामूली आग नहीं है। इन आग की लपटों में 850 करोड़ रुपए जल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने नशा पैदा करने वाले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने विशाखापट्टनम के कोदूरू गांव में भारी मात्रा में गांजा बरामद करके नष्ट किया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत 850 करोड़ रुपए है। राज्य पुलिस ने ट्विटर पर इस कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस के इतिहास में ये ऐतिहासिक अवसर है। ड्रग डिस्पोजल कमेटी के साथ आंध्र प्रदेश पुलिस ने अनकापल्ली कोदूरू में 2,00,000 किलो गांजा जब्त कर उसे नष्ट करने की कार्यवाही की है। आंध्र प्रदेश में पिछले साल 1 नवम्बर से 8 फरवरी के बीच ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था, जिसके तहत अलग अलग कार्यवाही भी की गयी थी। बता दें कि ऑपरेशन परिवर्तन के तहत अब तक 9,251 करोड़ रुपए की खेती को नष्ट किया गया था। राज्य में बढ़ती गांजे की खेती और तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। पुलिस की कार्यवाही चर्चा का विषय बन गई। आंध्र प्रदेश पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क बनाकर कार्यवाही कर रही है। दिसम्बर 2021 में आंध्र प्रदेश पुलिस ने 16 राज्यों के 4,606 लोगों को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।